एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन। तो ये देखिए आप, ये क्या है? तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहीं से निकाल रहा हूँ एक्सटेंडेड फॉर्म, जिससे आपको ये ना लगे कहाँ से आ गई। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं हर तरीके से ये थ्योरम, ठीक है। तो इसी से मैं एक एक्सटेंडेड फॉर्म निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि अब आपको पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट पता है, इसलिए हम एक एक्सटेंडेड फॉर्म में भी डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द फोर्सेज मतलब सिस्टम में ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको ये बताया कि इसमें केवल एक्सटर्नल फोर्स आते हैं, ये गलतफहमी तो नहीं है अभी भी किसी की बताइए कि वर्क एनर्जी थ्योरम में केवल एक्सटर्नल वर्क लिखो इंटरनल लिखो ही मत, ऐसा तो नहीं है किसी, सबको समझ में आ इंटरनल गया। हाँ, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और इंटरनल ऐसे भी हो सकते हैं कंजर्वेटिव इंटरनल और नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल हो सकते हैं। जैसे दो ब्लॉक सिस्टम लिया तो उनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स हो जाए, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्लस कंजर्वेटिव इंटरनल प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल सारे क्या होंगे? फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान है, डेफिनेशन क्या पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ी बताओ? नेगेटिव हाँ, नेगेटिव कंजर्वेटिव इंटरनल नेगेटिव ऑफ चेंज वर्क इन डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल इज द चेंज इन पोटेंशियल। चेंज मतलब हमेशा फिजिक्स में चेंज का क्या मतलब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो कंजर्वेटिव इंटरनल की जगह मैंने नेगेटिव उधर ले गया, क्या लिख दिया? माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दिया। ये एज इट इज है, ये एज इट इज, ठीक है। अब मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, तो एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल क्या निकल के आ रहा है? फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल दोनों का वर्क किसके बराबर आ रहा है? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, किसके बराबर आ रहा है? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को तो बताइए। ये नो आपकी सर। एक्सटेंडेड फॉर्म, इसको याद रखेंगे अब। तो आपका ये देखो नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल तो हम कभी आता ही नहीं हमारे, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं ऐसा सिस्टम ही नहीं लेते हैं कि जिसमें दो बीच में फ्रिक्शन लग रहा हो। हम क्या, ऐसा होगा तो हम दोनों को अलग अलग ही लेंगे, ठीक है। तो अपने आप वो एक्सटर्नल में ही आ जाए, ठीक है। तो एक्सपर्ट याद रखना आपको ऐसे, एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल। तो किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। वो सिस्टम की क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। अब ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है कि कब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें और कब इसको यूज करें, ठीक है। बहुत ही क्लियरली दो स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ जिसमें आप ये यूज करें, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यूज ही नहीं करनी है, ठीक है। केवल दो स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ। तो आपको पता है सारी चीजें फ्रेम डिपेंडेंट है, तो एक बार और लिख दिया, ठीक है। बट इससे क्या है, आप एक और प्रिंसिपल निकालते हैं, फिर इसको भी अप्लाई करना सीखते हैं कौन से केसेस में आपको ये अप्लाई करनी है। एक बार ये और देख लो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? तो आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है, लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई भी सिस्टम हो, कैसा भी हो, हमेशा वैलिड, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वर्क डन जीरो हो जाए, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो ये भी जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और कोई नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स नहीं है तो आप ये बोल सकते हो क्या? ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। बताइए, इन द यस एब्सेंस yes. ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब आगे क्या सीखना है आपको? जस्ट एप्लीकेशन है आपके एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ जो आपने, इसको मैं एक्सटेंडेड फॉर्म बोलूंगा। दो चीज, दो तरीके हैं एनर्जी इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ठीक है ना। 95 to 95% आपका वो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। और कुछ केसेस, केवल दो केसेस, एक तो जब भी स्प्रिंग आ जाएगी आप स्प्रिंग को सिस्टम में लेके एक्सटेंडेड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है ना। वेन एवर स्प्रिंग इज देयर तो स्प्रिंग को सिस्टम में लेके आप ये एक्सटेंडेड फॉर्म यूज करोगे। क्यों? क्योंकि तो आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान है, इसकी बजाय कि आप बार बार उसका वर्क सोचो, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो,
पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वो आप हमेशा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप स्प्रिंग को हमेशा सिस्टम में ले लो, अर्थ को सिस्टम में मत लो, एम जी को एक्सटर्नल फोर्स लो, सिवाय एक केस के जिसमें कि चेन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अभी अपन डिस्कस करें। तो ये दो हैं, एक तो स्प्रिंग और चेन वाली प्रॉब्लम, उनमें आपको ये एक्सटेंडेड फॉर्म यूज करनी चाहिए, बाकी सारा आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा कैसे होगा, ठीक है। तो वही प्रैक्टिस अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि एक्सटेंडेड फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाए।